What's up guys, this is Guru Mann. आज हम बात करेंगे कि क्या आप विंटर के दौरान मसल बिल्ड करें या फैट लॉस करें, क्या करना चाहिए। जैसा कि नवंबर का महीना है, मतलब है कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब में ठंड होती है। बात करें नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया के अंदर ठंड होती है। हालांकि मुंबई, पुणे जैसे एरिया में अब भी टेम्परेचर सेम रहता है, ऑलमोस्ट गर्मी रहती है। तो या वो एरिया जो भी इंडिया का एरिया है जहां पर इस महीने या दिसंबर के महीने ठंड होती है, तो क्या करना चाहिए, मसल बिल्ड या फैट लॉस। अक्सर लोग बोलते हैं, आपके ट्रेनर बोलते हैं, विंटर है, मसल गेन करें, फैट लॉस ना करें, कटिंग ना करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, विंटर हो या समर, स्प्रिंग हो या फॉल, किसी भी सीजन में आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। आपके गोल्स को कोई सीजन नहीं रोक सकता, ठीक है। तो पहली तो ये दूर रखें, कोई आपको बताए, अगर आपका ट्रेनर भी बताए कि भाई विंटर में आप कटिंग नहीं कर सकते, फैट लॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत, ये गलत है। ये जरूर है कि आपको सर्दियों में थोड़ा एडवांटेज है, अगर मैं बोल लूं 19-21 का फर्क होगा, कि आप गेनिंग कर सकते हैं गेनिंग में, क्योंकि ठंड है तो आप अपने बाइसेप तो दिखाएंगे नहीं, एब्डोमिनल तो दिखाएंगे नहीं, बेसिकली आपकी स्किन जो है वो हाइड रहेगी, स्वेटर जैकेट आपने पहनी होगी, सो कुछ नहीं पता चलता आपके कितनी डेफिनेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज द ओनली रीजन, राइट। तो विंटर में क्या करते हैं लोग, साइज गेन करते हैं कि चलो जैकेट पहनी है, स्वेटर पहना है, फुल स्लीव पहना हुआ है, और एक दो महीने साइज गेन करते हैं, बॉडी को अंदर ही अंदर पालते हैं, ठीक है। और जब गर्मियां शुरू होंगी, टी शर्ट का टाइम आने वाला है, तो अच्छा साइज होगा, अच्छी कटिंग होगी। ये एक चीज आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं बेसिकली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने बोला हुआ है कि सर्दियां या गर्मियां आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। गर्मियों में आप गेन कर सकते हैं, सर्दियों में आप लूज कर सकते हैं। हाउ? सिंपल, बाय गोइंग इनटू कैलोरिक डेफिसिट। जितनी आपको कैलोरीज दिन के अंदर चाहिए लूज करने के लिए, तो आपने कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है। यू शुड बी इन कैलोरिक डेफिसिट टू लूज वेट फॉर फैट लॉस। फॉर मसल बिल्डिंग यू नीड टू ईट मोर कैलोरीज, यू शुड बी इन कैलोरिक सरप्लस, ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी। तो ज्यादा कैलोरीज आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं, किसी भी महीने में खा सकते हैं, ये नहीं कि दिसंबर है तभी खानी है। तो सर्दियों के दौरान जो लोग कंपीट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग, फिजिक शो एक्सेट्रा, वो सर्दियों में भी कंपीट करते हैं, बहुत शो सर्दियों के अंदर भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग सर्दियां हैं तो क्या कंपीट ना करें, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये चीज थोड़ी सी बाहर रहे, हो सकता है इंडिया के अंदर शायद कंपटीशन कम होते हो सर्दियों में, बाकी यूएस के अंदर तो बाकी कंट्रीज में हर महीने में चार चार दस दस कंपटीशन चल रहे हैं हर स्टेट के अंदर, सो इट्स डिफरेंट। देखो सर्दियों में आपको पसीना ऑलमोस्ट नहीं आता, पसीना नहीं आएगा आपको, बैठे लाइट चले जाए, बाहर बैठे आप घर के, तब भी पसीना नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 15 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा या सिंगल डिजिट में होगा। तो जब पसीना नहीं आएगा तो कैलोरी बर्न जो है वो प्रोसेस वो कम होगा। सो आप जब पसीना आता है तो एक्चुअली यू लूज वाटर, पसीना आता है, कैलोरीज बर्न होती है, आपको ऑली मालूम है, प्यास लगती है, बहुत पानी पीते हैं, तो सर्दी में आपको पानी कम पिएंगे, प्यास कम लगेगी, क्योंकि पानी, क्योंकि आपकी बर्निंग प्रोसेस कम होगा। आप चलते भी बहुत कम है, ठंड होती है, बहुत लोग कम वॉक करते हैं, घर में बैठे रहते हैं ठंड के कारण। गर्मियों में आप ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बाहर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो शाम का टाइम गर्मियों में लोग बाहर घर से ज़्यादा रहते हैं, सर्दियों के दौरान लोग बाहर नहीं रहते, शाम का टाइम हो घर के अंदर रहते हैं लोग। तो यू नो ये एक प्रोसेस है कि आप थोड़ा सा गर्मियों में एक्टिव रहते हैं, सर्दियों में कम एक्टिव रहते हैं, ये एक ऑप्शन है जिससे आप कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, उसका 200 कैलोरीज आप सर्दियों में कम बर्न करते हो और गर्मियों में आप 200 कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हो, पसीना भी आता है, तो उसी दौरान यू लूज मोर वेट इन विंटर इन समर एंड यू गेन मोर इन विंटर। सो अगर आपको लगता है कि आपने मसल गेन करना है, तो सर ईट मोर कैलोरीज इन विंटर एंड गेन मसल। क्या करना है, जितनी भी आपकी कैलोरीज आती है, मैंने आपको प्लान दिया हुआ है मसल बिल्डिंग का, वही मसल बिल्डिंग का जो PDF है वो नीचे लिंक दोबारा ऐड कर रहा हूं, सो मैंने दोबारा नीचे ऐड कर दिया उसी लिंक को, उसी लिंक को फॉलो करें, बहुत अच्छा टाइम है,
दिवाली के बाद अब आप इसको फॉलो करें, इस पर स्टिक रहे, और मैं बता रहा हूं यू विल इजिली गेन 5 to 8 pounds इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप लूज करना चाहते हैं, दूसरा लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है फैट लॉस का। पहला है न्यूट्रिशन मसल बिल्डिंग का, दूसरा है फैट लॉस का। टिप्स के दोनों लिंक नीचे है, जो भी आपको गोल्स आपके हैं आप उसके दौरान फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कंपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर फैट लॉस गोल तो नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं है, जस्ट मेंटेन और मसल गेन मसल। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, फैट हैं, तो विंटर आपको रोक नहीं सकती, दिसंबर का महीना, जैन का महीना आपको रोक नहीं सकता, जनवरी का महीना ठंडा होता है आपको मालूम नॉर्थ साइड, और जैन का महीना ऐसा महीना है जो दुनिया के अंदर 80% पॉपुलेशन है वो फिटनेस की तरफ अपना गोल सेट करती है। जिन्होंने वेट लूज करना है, फैट लॉस करना है, वो जनवरी के दौरान पूरी मेहनत करते हैं। तो आपको लगता है कि इस ठंड का महीना आपके इस गोल्स को रोकता है? नहीं। सो इसका कोई लिंक नहीं। जो नया साल है, नई मोटिवेशन लोगों की होती है, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गेट फिट। ओवरवेट वेट कम करता है, अंडरवेट वेट गेन करता है। सो किसी भी तरह के आप फिजिकल गोल अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ठंड आपको थोड़ा एक्टिव आप कम रहेंगे, सुस्ती डालती है, नथिंग एल्स। सो नीचे टिप्स है, टिप्स का न्यूट्रिशन है, उसको डाउनलोड करें। बस यही एक क्विक बताना था कि विंटर का टाइम, अभी मैंने क्वेश्चन किसी ने पूछा था, दो बंदों ने क्वेश्चन पूछा था अभी बैक टू बैक, तो मैंने सोचा क्विकली वीडियो बनाऊं। मैं कोई और वीडियो बनाने वाला था बेसिकली, पर मैंने कहा इसको कवर करता हूं, नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाऊंगा। सो विंटर हो या समर, स्प्रिंग हो या फॉल, यू कैन अचीव एनी गोल एनी टाइम। नो सीजन नो मंथ कैन स्टॉप यू। टेक केयर गाइस, गुरु मान। बाय।